वेलकम दोस्तों, आइए आप लोगों को दिखाते हैं, एक्सपेंशन वाल के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो इस स्पार्कलन का थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है और ये जी सोल्डरिंग वाल, सोल्डर टाइप वाल है अपना सोल्डर करने के लिए। तो देख लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा जो है कि सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा इन है और ये हमारा आउट है। तो इन कभी भी जो है ना पतला होता है, मोटा नहीं होता है, और आउट जो होता है जहाँ से आउट वो करना है वो मोटा होता है। ये हमारा इन होगा जो कि एक्सपेंशन वाल का इन है, ये हमारा एक्सपेंशन वाल का आउट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिल्टर ड्रायर से आएगा ना, तो यहाँ पे सीधे आएगा इन होगा, और यहाँ से होगा तो सीधे जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। अब देख लीजिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ख़राब हो गया था, तो हम लोगों ने काट के निकाल दिया है इसको, और ये हमारा कैसा है डिस्ट्रीब्यूटर आप देख सकते हैं। तो इसमें 13 लाइन अपना कैपिलरी का है, लेकिन फिर भी इसमें ख़राब हो गया था, तो हम लोगों को बदली करना पड़ा और दूसरे तरीके से सिस्टम से लगाना पड़ा, लेकिन हमारा ये भी ख़राब हो गया था। तो इसमें क्या ख़राबी थी और कैसे कैसे क्या क्या हम लोगों ने किया आप लोगों को बताते हैं, और इसमें क्या क्या होता है वो सब आपको दिखाते हैं। तो बन रहे हैं हमारे साथ दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम ये हमारा फ्लेयर टाइप का जो है एक कैप है, इसको हम खोल के आपको हटा देते हैं। अब ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा सुपर हीट एडजस्टिंग वाल्व बोलते हैं इसको। सुपर हीट मतलब एडजस्ट करने के लिए है, जैसे क्या होता है ना कभी हमारा ये काम नहीं कर रहा है अच्छे से और ये हमारा ब्लॉक हो गया है थोड़ा बहुत, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे एंटी क्लॉक वाइज। जब घुमाएंगे ना एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमाएंगे हम ऐसे इस तरीके से, तो क्या होता है ज़्यादा गैस पास करेगा, मतलब क्या होता है इसमें ना ओपन होगा, ये ओपन होगा। अगर हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ओपन होगा, और जब ओपन होगा तो ज़्यादा गैस छोड़ेगा जिससे कि ज़्यादा कूलिंग आएगा, और इसको हम टाइट करेंगे तो इसमें कम बाईपास करेगा और कम कूलिंग होगा। तो ऐसा है कि ये कभी जब हमारा ख़राब हो जाए ना तब इसको छेड़ना चाहिए, तो कंपनी सेटिंग होकर के आता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। फिर इसको अंदर दिखाते हैं दोस्तों क्या रहता है इसके अंदर। देखिए ये हम खोल लिए, तो इसके अंदर देखिए हमारा ये हो गया, इसको नीचे रखते हैं। सुपर हीट स्प्रिंग है ये, इसका नाम हम लोग नाम क्या मतलब स्प्रिंग है, लेकिन ये सुपर हीट स्प्रिंग इसको बोलते हैं। फिर सुपर हीट कैप है ये जो कि एडजस्ट करता है, इसमें जो है कि वाल को आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक पिन है, इसको सुपर हीट पिन बोलते हैं। एक सेकंड, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर लगा रहता है, इसके अंदर लगा रहता है जो कि ये कंट्रोल करता है, यही जो रॉड है ना कंट्रोल करता है कितना गैस जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, तो ये इसके लिए है, ये कंट्रोल के लिए है दोस्तों। हाँ, और ये कंट्रोल करता है पावर हेड के, पावर हेडर जो है इसका नाम है पावर हेडर, तो पावर हेड जो है पावर हेड के थ्रू जो है ये कंट्रोल करता है। इसको प्रेस जब करता है दोस्तों ना नीचे अप डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारा ये कंट्रोल होता है, गैस कंट्रोल होता है। ओके दोस्तों, देखिए ये हमारा कैपिलरी है, ये पावर हेडर है, ये कैपिलरी है, और ये सेंसिंग वाल्व है। तो सेंसिंग वाल्व जो है कि यही सेंस करता है अपना सक्शन लाइन में कूलिंग कितना है कितना नहीं है कूलिंग, उसको ये सेंस करता है, उसको सेंस करके फिर ये जो है कि काम करता है, ये पुश करता है। अगर ज़्यादा कम कूलिंग है तो ये पुश करेगा, ज़्यादा पुश करेगा तो ज़्यादा गैस इधर से बाहर निकलेगा, इधर से बाहर ज़्यादा गैस निकलेगा ज़्यादा कूलिंग होगा दोस्तों। सबसे पहले तो ये सेंसिंग वाल्व है, ये कैपिलरी है, ये हमारा पावर हेड है, उसके बाद से आ गया हमारा थर्मोस्टेट का बॉडी है, और ये हो गया सुपर हीट रॉड, ये हो गया कैप, सुपर हीट कैप, सुपर हीट स्प्रिंग, सुपर हीट एडजस्टेबल एनी कैप। तो इसके हिसाब से देखिए दोस्तों यही सब रहता है, और इसका फंक्शन आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।